गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग कर रहे थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, उसका पार्ट वन खत्म हो गया था और आज पार्ट टू में चार स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो कल हमने किया था तिलका मांझी, भक्तार से, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत। सो ठीक है, सो प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो और अगर कोई डाउट है तो ask me, please join WhatsApp and Telegram group. और आज we are going to do झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी part 2. इसमें भी आज हम लोग चार ही स्वतंत्रता सेनानी करेंगे. So let's start the work. आज जो करेंगे वो करेंगे पांडे गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, जगबंधु पटनायक और मुंडल सिंह. So let's start with पांडे गणपत राय. तो ये जो है, ये पोर्ट्रे आप देख सकते हैं, ये है पांडे गणपत राय का है. तो पांडे गणपत राय का जन्म और ये जितने भी डेटा जो लिया गया है ना, क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, तो मोस्टली विकिपीडिया से भी लिया गया है, तो आप विकिपीडिया पेज में भी आप देख सकते हैं और अलग अलग सोर्स पेपर कटिंग से के भी कुछ कुछ सोर्स को मैंने इंक्लूड किया है. पीपुल आस्क मी व्हाट इज द सोर्स, सो आई एम टेलिंग यू दिस. सो ठीक है, पांडे गणपत राय का जन्म जो हुआ था जनवरी 17, 1819 में भैरो विलेज गांव था, एक लोहरदगा में भैरो विलेज है वहां पे हुआ था. उनके पापा का नाम राम कृष्ण राय और मदर सुमित्रा देवी. दिस थिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आपको नाम याद रखना चाहिए पांडे गणपत राय का. जो इनके अंकल थे ना, सदाशिव राय एक दीवान थे नागवंशी महाराज जगन्नाथ सहदेव के कोर्ट में. और गणपत राय का एडुकेशन वहीं हुआ, अपब्रिंगिंग वहीं पे हुआ, रॉयल पैलेस में रहते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है, वहां पढ़ाई करते थे. वहां उन्होंने उर्दू सीखा, पर्शियन सीखा, हिंदी सीखा, यू नो बहुत लैंग्वेज सीखा. वहां उन्होंने बहुत अदर क्वालिटी भी सीखा, जैसे हॉर्स राइडिंग, एरो, स्पेयर, गन शॉट और अदर वैलर थिंग, ठीक है. तो वो, लेकिन एक चीज वो हमेशा देखते थे बचपन से कि एट्रोसिटी तो हो ही रहा था. तो ये देखते थे कि कॉमन सिटीजन जो थे वो ब्रिटिशर और इवन महाराजा टैक्स लेने के लिए उनपे बहुत अन्याय करते थे और कॉमन सिटीजन को बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो उनको ये देख के बहुत प्रॉब्लम, मतलब दुख होता था. और उनको ये वो देखते थे कि जो छोटे छोटे जमींदार हैं वो ब्रिटिश से डायरेक्टली ऑर्डर ले रहे हैं, ब्रिटिश की गाली सुन रहे हैं. तो उनको ये सब चीज से बहुत दुख होता था और उनको लगता था ब्रिटिश बहुत आराम से ऐश से रह रहे हैं और छोटे लोग गाली सुन रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और तब भी वो भूखे रहते हैं, ठीक है. उनको ये रैयत जो थे उनको हंटर से मारा जाता था टैक्स के लिए, बॉन्डेड लेबर बनाया जाता था, जितना ज्यादा टैक्स उनसे ले लिया, लेने का ट्राई किया जाता था. तो इन सब से गणपत राय को बहुत प्रॉब्लम था और उनको ना, ही वॉज वेरी पेन्ड बाय दिस एंड दैट्स वाई दिस पैट्रियटिज्म की भावना उनमें थी कि नहीं, बाहर के लोग आके हम पे अत्याचार क्यों करेंगे, ठीक है. तो ये बचपन से उनमें था. तो जब उनके जो चाचा जी थे या फिर जो चाचा जी जिनके यहाँ वो रहते थे वो मर गए, व्हेन ही डाइड, तो गणपत राय वाज इंटेलिजेंट गाय. तो ये जो महाराज थे उनकी कैपेबिलिटी देख के बोला कि आप दीवान बन जाओ. तो ये दीवान बन गए. तो लेकिन एट्रोसिटी तो फिर भी ब्रिटिश का हो ही रहा था उस समय. तो गणपत राय बोले महाराज जगन्नाथ सहदेव को कि भाई कन्विंस करने का ट्राई किया कि ये ब्रिटिश का हम लोग क्यों सहें, ये ब्रिटिश आर वेरी पैथेटिक ह्यूमन बीइंग. तो वो बोला कि हम लोग रिवोल्ट करते हैं, लेकिन महाराजा जो था वो बोला नहीं नहीं, जगन्नाथ सहदेव रिवोल्ट के लिए तैयार नहीं हुआ. तो और फिर ये जो गणपत राय थे ये महाराजा की बात नहीं मानने लगे. महाराजा जो बोलता था वो बोलते थे मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है. तो महाराजा बोला ठीक है आप जाओ यहाँ से, आप उनको नौकरी से निकाल लिया. फिर उसने क्या किया गणपत राय ने, अपने लाइक माइंडेड अपने तरह के आदमी को जो कि ब्रिटिश
को हटाना चाहते थे अपने प्लेस से, बोला उनको उनको उनके साथ एक संगठन बनाया, ठीक है, ताकि रिवेंज लिया जाएगा। तो 1857 का रेबेलियन स्टार्ट हो गया। तो 1 अगस्त 1857 में दोरंडा कैंटोनमेंट में भी रिवेलियन स्टार्ट हुआ। और दोरंडा कैंटोनमेंट में जब रिवेलियन स्टार्ट हुआ तो वहां के जो सिपाही थे वो रांची को 2 अगस्त को कैप्चर कर लिए। तो ये गणपत राय और एक और बंदे थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उन्होंने वर्क विद ठाकुर विश्वनाथ टू लूट एंड पनिश द जमींदार, जो भी जमींदार उनको दिखता था जो कि ब्रिटिश की हेल्प कर रहा है, तो वहां जाते थे, लूट करते थे और उनकी संपत्ति को ले लेते थे। After the unanimous appointment of Ganpat Rai as commander, Ganpat Rai को बाद में commander बना दिया गया, ठीक है, उस उनके छोटे से army का। अब ये जो rebellion था, अब ये revolution हो गया कि अब हमें British को यहाँ से हटाना है, जितने भी जमींदार हैं जो British के agent हैं उनको हटाना है, ठीक है। They managed to recruit, जो ये यहाँ दोरंडा कंटोनमेंट के लोग थे, सिपाही थे, उनको रिक्रूट किया, रामगढ़ के कंटोनमेंट के सिपाही को रिक्रूट किया और ये बोला कि ब्रिटिश राज को हटा देंगे, किसी भी तरह यहाँ से हटा दिया जाएगा। और तो और ये किसी भी तरह उसको हटाने की ये साजिश रखी। देखिए, पहले इनके पास एक एडवांटेज था, इनको टेरेन के बारे में पता था। अगर आप रांची या आसपास के टेरेन को जानेंगे तो वो बहुत टेरेन बहुत खराब, मतलब इतना आसान नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ जंगल बहुत है। तो इसलिए इनको शुरू में सक्सेस मिल गया क्योंकि इनको टेरेन के बारे में पता था, फॉरेस्ट के बारे में पता था, हिल के बारे में पता था, तो इसलिए तुरंत तुरंत भाग जाते थे। लेकिन एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ चतरा, ठीक है, बैटल ऑफ चतरा में ब्रिटिश ट्रूप असिस्टेड बाई 6 सिपाही, इसमें ब्रिटिश ट्रूप के पास ना 6 सिपाही थे। तो उन्होंने उस बैटल में विलेज ऑफ चतरा को ब्रिटिश ट्रूप ने अटैक किया और अपने अंदर कर लिया। और इसमें जो ये गणपत राय थे, गणपत राय के बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन हालांकि इन्होंने ये लोग भाग गए, किसी तरह भाग गए, लेकिन बाद में बहुत सारा न्यूमरस क्रिमिश हुआ, बहुत सारा छोटे छोटे ये लोग अटैक, गुरिल्ला टाइप ऑफ अटैक करते रहते थे बाद में भी। लेकिन 1858 में ये पकड़े गए और इनको फांसी दे दी गई। सो ये है स्टोरी ऑफ पांडे गणपत राय, ठीक है। अब है दूसरा है विश्वनाथ सहदेव। देखिए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। विश्वनाथ सहदेव जो थे ये किंग थे, राजा थे बरकागढ़ स्टेट, और बाद में रेबल तो बने ही थे, 1857 के ये रेबल भी थे। इनके जो पापा का नाम था, फादर्स नेम वॉज जगन्नाथ सहदेव, मदर जो थे चनेश्वरी कुंवर, ठीक है, और ये नागवंशी फैमिली के थे। तो देखिए, बरकागढ़ स्टेट वाज ग्रांटेड टू नाथन शाह, हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ विश्वनाथ सहदेव। जो ये बरकागढ़ स्टेट है रांची के आसपास, वो एक्चुअली नाथन शाह को मिला था, जो इनके विश्वनाथ सहदेव के दादाजी थे, कि मेंटेन करेंगे फॉर मेंटेनेंस ऑफ नागवंशी महाराज ऑफ छोटा नागपुर, मेंटेनेंस के लिए इनको, कि आप इनको देखभाल कीजिए, नाथन शाह को मिला था ये बरकागढ़ स्टेट, और फाइनली बाद में इनके पास आ गया था, विश्वनाथ सहदेव के पास आ गया था। लेकिन ब्रिटिश सिविल हेडक्वार्टर रांची में बनाया, मिलिट्री हेडक्वार्टर रामगढ़ बटालियन डोरंडा में बनाया, इनके इनके कंसेंट के बिना। तो इनको गुस्सा आ गया कि भाई मेरे कंसेंट के बिना मेरे स्टेट में क्यों, कैसे बना सकते हैं। तो और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एंटी ब्रिटिश तो थे ही, साथ में एंटी मिशनरीज भी थे, क्योंकि ब्रिटिश का एक एम और था कि कितने भी ये आदिवासी को वो कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी में। तो उस समय एक जर्मन मिशनरी का भी बहुत काम चल रहा था, एक्सक्यूज मी, वो जगन्नाथ टेम्पल जो रांची में है उसके आसपास ना बहुत लोगों को कन्वर्ट करा के और बहुत सारे जमीन को अपने अंदर कर लिया था, और जो क्रिश्चियन कोल थे वो भी उनको हेल्प कर रहे थे जमीन लेने में। तो ये इस चीज को उन पे बहुत गुस्सा आया कि ये मिशनरी सब हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं और सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बनाया, ठीक है, पीपुल, मुक्ति वाहिनी इज पीपुल्स आर्मी,
किसके किसके असिस्टेंट में, बहुत सारे लोग के असिस्टेंट में, गणपत राय भी थे, तिकत उमराव भी थे, सिंह थे, शेख भिखारी थे, हम लोग पढ़ेंगे, जयमंगल सिंह थे, नादिर अली खान थे, ब्रिज भूषण सिंह थे, चमा सिंह थे, शिव सिंह थे, रामलाल सिंह थे एंड बिरजिया राम सिंह थे। ठीक है, इनके इसमें मुक्ति वाहिनी बनाया। हालांकि इनका जो रिवॉल्यूशन 1857 में सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये 16 अप्रैल 1858 को पकड़े गए और उनको इनको फांसी दे दी गई। अब जगबंधु पटनायक की बात करते हैं। जगबंधु पटनायक जो है ना दीवान थे, इनको जग्गू दीवान भी बोला जाता है। ये सिंहभूम के दीवान थे, पोड़हट इन सिंहभूम, ऑब्वियसली अभी तो झारखंड में, पहले तो ये क्या कोलकाता या कोलकाता प्रेसिडेंसी में था, कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी में था, बंगाल प्रेसिडेंसी में था, वेस्ट बंगाल में नहीं, बंगाल प्रेसिडेंसी में था। तो ये दीवान जो है ना राजा अच्युत सिंह के अंदर थे, राजा अच्युत सिंह और राजा अर्जुन सिंह, उसके बाद राजा अच्युत सिंह के बाद राजा अर्जुन सिंह आए, उसके ये दीवान थे। ये 1857 में ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में भाग लिया था इन्होंने। देखिए कोल रेबेलियन हुआ था 1831 में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, और इसी बोला जाता है कि इन्हीं के कारण हुआ था, जगबंधु पटनायक के कारण ही हुआ था, और इसीलिए इनको जग्गू दीवान बोला जाता है, जग्गू दीवान टू द कोल, जो कोल लोग हैं उनको जग्गू दीवान बोलते हैं। ये राजा अर्जुन सिंह को बोले भाई कि आर्मी उठाओ, हथियार उठाओ और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करते हैं। तो जग्गू दीवान विद स्ट्रॉन्ग फोर्स रोज अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई तो करने के लिए चक्रधरपुर में स्टार्ट भी किया लड़ाई उन्होंने, और चक्रधरपुर को ऑक्यूपाई भी कर लिया, ले भी लिया ब्रिटिश से, लेकिन ब्रिटिश तो ज्यादा एडवांस थे, उनके पास ज्यादा आर्मी थी, उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट थे, तो लेफ्टिनेंट बर्च फिर से चक्रधरपुर को ऑक्यूपाई कर लिए और जग्गू दीवान को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। अब है मुंडाल सिंह। मुंडाल सिंह देखिए, मुंडाल सिंह जो है ना ये भी इंडियन फ्रीडम फाइटर झारखंड के थे। 1857 में इन्होंने लड़ाई की थी, नहीं 1857 में इन्होंने नहीं लड़ाई की थी, ये थोड़े पहले से, मुंडाल सिंह पहले के थे। देखिए ये पहले थे, ये परगनेत थे। परगनेत आपको पता होगा, बहुत मैं बता चुका हूँ, जैसे बहुत विलेज का मालिक किसी भी ट्राइब में, बहुत सारे विलेज के मालिक को परगनेत, मालिक नहीं मतलब वो हेड होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, ठीक है, बहुत सारे विलेज को परगनेत थे। एक विलेज है पहाड़ पनरी के, ठीक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज पहाड़ पनरी, उस समय तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, अब तो खैर झारखंड में आता है। और इन्हें रौतिया फैमिली, इनकी फैमिली थी रौतिया फैमिली, परगनेत तो थे ही, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट छोटा नागपुर जो किंग है गोविंद नाथ सहदेव, जो हमने गोविंद नाथ सहदेव को बोला 12,000 रुपया आप दीजिए टैक्स में, तो एक बंदा था भक्तियार से जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, जागीरदार ऑफ वासुदेव कोना एक जगह है, वो बोला भक्तियार से, बोला हम नहीं देंगे, ये जमींदार था, बोला हम नहीं देंगे। ये हम लोग बख्तियार से के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। और उसने और वो रेबल कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था ये बहुत ज्यादा एक्सेस टैक्स है, ये इतना टैक्स बनता नहीं है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ रामगढ़ जो आर्मी भेजा हजारीबाग से, सेंट एन आर्मी फ्रॉम हजारीबाग से भेजा, तो परगने तो ऑफ पहर मनरी मुंडाल सिंह रीच नवागढ़, बख्तियार से के हेल्प के लिए नवागढ़ पहुंचा, ठीक है, और सक्सीडेड डिफीटेड एंड ब्रिटिश को भी, ब्रिटिश फोर्स को डिफीट भी कर दिया। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बख्तियार से को शुरू में सक्सेस मिला था, लेकिन फिर ईद रेफरीज जो रामगढ़ बटालियन का नया कमांडर था, वो नवगढ़ में पहुंचा, थोड़ा बड़ा आर्मी लेके पहुंचा था, और 3 दिन तक बैटल हुआ, लेकिन एंड बख्तियार से एंड मुंडल से हार गए, और बख्तियार से और मुंडल से को अरेस्ट किया गया और 4 अप्रैल 1812 कोलकाता में इनको हैंग कर दिया गया। तो लुक, मुंडल सेल इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, ही वॉज विथ दिस गाय, I'll tell you that, बख्तियार से के साथ थे। ये नवगढ़ रायदा एरिया जो गुमला में है,
क्योंकि एक्सेस बहुत ज्यादा एक्सेस टैक्स मांग रहा था, 12,000 रुपया, जो मैं कल भी बताया था गोविंद नाथ सहदेव से, जो छोटा नागपुर का एक्चुअली किंग है, और ये बख्तियार साहेब से, सहाय नहीं से, एक्चुअली रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं देंगे हम ये, तो उसी में बख्तियार साहेब की हेल्प की थी, बख्तियार साहेब की हेल्प की थी मुंडल सिंह ने। सो गाय दैट्स इट फॉर टुडे, विल टॉक अबाउट अदर रेबल और फ्रीडम फाइटर फ्रॉम झारखंड इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, एंड प्लीज डू कमेंट ऑल्सो लाइक वॉट यू आर नॉट लाइकिंग, वॉट यू वॉन्ट मी टू इंक्लूड, ओके, एंड प्लीज डू इनरोल योर सेल्फ इन व्हाट्सअप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप। So let's end this video now. Bye bye.